स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे पहले हमें ये तो मालूम है कि वेलोसिटी क्या होती है। जो वेलोसिटी होगी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम समझते हैं यहाँ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। जैसे मान लो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की घर से बाइक पे, जब आप बाइक पे जा रहे थे तो मान लो आपकी टोटल जर्नी 10 मिनट की है, तो आपने क्या किया कि जब आप बाइक पे चल रहे थे तो बीच में कहीं आपने एकदम से स्पीडोमीटर की तरफ देखा, और स्पीडोमीटर की तरफ देखा और आपकी स्पीड उस पर थी 40, मतलब जो आपके स्पीडोमीटर की जो नीडल थी वो उसने आपको स्पीड दिखाई 40, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो आपने स्पीड देखी थी उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब आपने वो स्पीड रिकॉर्ड की जिस टाइम आपने स्पीडोमीटर की तरफ देखा, उसको देखने में आपको कितना टाइम लगा होगा? 0.0001 सेकंड का, मतलब माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम लगा होगा। तो मतलब इतना कम टाइम लगा कि इसमें उस टाइम में जो डेल्टा टी था वो क्या था, अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं होगा, मतलब ज़ीरो का अप्रोच करेगा। इतना कम टाइम लगा आपको उसको देखने में, पलक झपकने में आपने वो स्पीडोमीटर से स्पीड रिकॉर्ड कर ली। जब आपने स्पीड रिकॉर्ड की टाइम तो आपको इतना कम लगा, तो हम इस टाइम को क्या लिख सकते हैं, dt। उस टाइम इंटरवल में जितना टाइम आपने स्पीड देखने में लगाया उसमें कितनी स्पीड कवर, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। अगर टाइम dt लगाया तो हम ये डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, dx। मतलब कि अब यहाँ पे हमारी जो इंस्टेंटेनियस, अब ये जो हो जाएगी इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, स्मॉल टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, और वो भी जब टाइम किसको अप्रोच कर रहा था, ज़ीरो को। स्पीड रिकॉर्ड करने में आपने कितना टाइम लगाया, माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम लगाया। तो जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टाइम की लिमिटिंग वैल्यू थी ज़ीरो को अप्रोच कर रही थी, इसको बोलते हैं लिमिट, और जो टाइम किसको अप्रोच कर रहा था, ज़ीरो को, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होगा। और ये एक्स क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट, एक्स चेंज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपने जो हमने मतलब पहले डिफरेंशिएशन किया था उसमें क्या था कि अगर हमें जैसे ये ग्राफ बनाया हमने एक्स और वाई का ग्राफ बनाया, तो ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये स्लोप, और यहाँ से हमने कोई दो पॉइंट लिए थे, तो फिर यहाँ से स्लोप ये थीटा, ये हमारा था x1 y1, ये x2 y2, तो यहाँ से हमने टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया तो हमें क्या मिल गया था, y2 - x1 अपॉन x2 - x1। तो जब ये चीज़ ज़ीरो को अप्रोच कर रही थी और ये, तो कितना था dy/dx। इसका मतलब है कि जो x और y का जो स्लोप का ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं dy/dx। तो यहाँ पे भी तो हमारा dx/dt आया। हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को s लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। एस कैसे लिखा, जैसे मान लो कि एक पर्सन है, उसने चलना स्टार्ट किया, तो जब टाइम ज़ीरो था तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो थी। जब टाइम 1 सेकंड था तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगी। जब टाइम 2 सेकंड था डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगी। जब टाइम 3 सेकंड डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर, 4 सेकंड 20 मीटर। अब इसमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और ये ग्राफ बनेगा एस और टी के बीच में। यहाँ पे हम टाइम और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये तो हमारा यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली 1 2 3 4, यहाँ पे 1 5
10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 0 सेकंड पे 0 मीटर, 1 सेकंड पे 5 मीटर, 2 सेकंड पे 10 मीटर, 3 सेकंड पे 15 मीटर। तो ऐसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ बन रहा है एस और टी के बीच में, इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं डी एस बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने कैसे फाइंड किया? डी एस बाई डी टी। तो ये डी एस बाई डी टी ही किया है जो हमने अभी फाइंड किया, इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी मतलब हमने एस को, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। जब हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ गया? डी एस बाई डी टी। तो यही डी एस बाई डी टी क्या होगी? हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम ये भी बोल सकते हैं स्लोप। ये स्लोप बनाया हमने, ये थीटा और ये स्लोप। स्लोप किसके बीच में बना? एस और टी के बीच में। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो किसके बीच का स्लोप है? डिस्प्लेसमेंट ऑन और टाइम के बीच में। वेलोसिटी इज द स्लोप बिटवीन एस एंड टी, या फिर हम एस टी ग्राफ को वेलोसिटी बोल देंगे। तो हमें पता लग गया वेलोसिटी कैसे फाइंड की जा सकती है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी और क्या चीज़ होती है? एस और टी के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो ये ध्यान में रखेंगे कि वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। हर बार हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हमें इतना पता लग गया कि अगर हमें जहाँ डिस्प्लेसमेंट दी हुई है हमने उसको डिफरेंशिएट कर देना, हमें क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। हमें सिर्फ इतना समझना था कि ये ग्राफ का ग्राफ से कि डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट कैसे किया। डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया। अब हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें हमें क्या दिया होगा? हमें यही एस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी होगी और हमें कहा होगा कि वेलोसिटी फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे, हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। और हमें पूछा होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स मान लो हमें कोई टाइम दिया होगा, जब टाइम 1 सेकेंड, जब टाइम 5 सेकेंड हुआ, जैसे ही 5 सेकेंड हुआ अपना टाइम बताओ उसमें कितना था स्पीडोमीटर में। तो आप उसमें टाइम की वैल्यू पुट करोगे तुरंत, और वहाँ पे जो वी की वैल्यू आएगी वेलोसिटी की वैल्यू, वो वहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज। ये हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 4t² माइनस 15t प्लस 25। 4t² माइनस 15t प्लस 25, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है। फाइंड द पोजीशन, हमें पूछा है उसकी पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन तो हमारी यही होगी एक्स, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वही उसकी पोजीशन होती है। तो पोजीशन हमारी होगी 4t² माइनस 15t प्लस 25। मतलब जैसे मान लो अगर हमें पूछा होता कि जब टाइम ज़ीरो था तो उसकी पोजीशन क्या थी, जब टाइम ज़ीरो था तो उसकी पोजीशन, तो टाइम यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो 25 मीटर। तो मतलब एक्स की पोजीशन क्या होगी? पोजीशन क्या होगी उसकी पार्टिकल की? 25 मीटर। ये अगर वैल्यू मीटर में दी होती। अब हमें पूछा है कि फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या करना है हमने? वेलोसिटी में डिफरेंशिएट करना है। इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। जैसे कि अभी हमने समझा था कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दी हुई है तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो ये यहाँ से 4 का 4 और t² का, यहाँ से हमें मिल गया 8t और 15t का 15 और इसका 0। तो जो वेलोसिटी आ जाएगी वो हो जाएगी 8t माइनस 15, ये होगी वेलोसिटी। फिर आगे हमें पूछा है कि फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ज़ीरो। हमें पोजीशन भी पूछी है, जब टाइम ज़ीरो था तब पोजीशन क्या थी और जब टाइम ज़ीरो था तब वेलोसिटी क्या थी। तो हम
पहले पोजीशन फाइंड करते हैं। पोजीशन में एट जब टाइम ज़ीरो था, जब टाइम ज़ीरो था तो पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे 4t² - 15, टी की वैल्यू 0 प्लस 25, और यहाँ से ये वैल्यू 0 और ये भी 0, ये 25, तो x हमें मिल गया 25। उसके बाद हमें वेलोसिटी भी पूछी है, वेलोसिटी कब पूछी है, जब टाइम क्या था 0, जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने अभी फाइंड की, वेलोसिटी क्या थी, dx/dt, और dx/dt हमें कितना मिला, 8t - 15, तो यहाँ से आ गया 8t - 15। तो हमें बोला है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या होगी, तो टाइम 0 वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम 0 टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, -15, और ये हो गया v = -15, और जो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ गई कितनी आ गई, -15 m/s। और उसके बाद पूछा है व्हेन विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम ज़ीरो, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो कब हो जाएगी, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी थी क्या, वेलोसिटी हमारे पास थी 8t - 15। उसने पूछा कितने टाइम, वो कौन सा टाइम था जहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो इसको हम ज़ीरो लिख देंगे वेलोसिटी को, और यहाँ से 8t - 15, और ये 15 इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 8t, और t = 15/8, तो यहाँ से आ गया 1.875 सेकेंड। तो जब ये टाइम 1.875 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज़ गिवन बाय x = 18t + 5t². एक्स इज़ ए फंक्शन ऑफ t, मतलब t की वैल्यू हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी, और हमें x और t के बीच में ग्राफ मिल जाएगा। तो x और t के बीच में ग्राफ, जो ग्राफ होता था, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वही हमारी क्या होगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके। तो पहले हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है 18t + 5t². हमें पूछा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, जब टाइम टी 2 सेकेंड हुआ हो रहा था उस टाइम उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफरेंशिएट किया dx/dt, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया 18, और यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10t, तो ये होगी इसकी वेलोसिटी। ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हमें वेलोसिटी, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड पे पूछा था, व्हेन t = 2 सेकेंड, तो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, 18 + 10 × 2, तो ये हो गया 10 + 20, और 8 38 m/s। तो यहाँ से हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और हमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, 2 और 3 सेकेंड के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी। तो पहले तो हमें एवरेज वेलोसिटी जो हमारा फॉर्मूला है उसका x2 - x1/t2 - t1, तो हमें x2 x1 पता होना चाहिए पहले। तो पहले x1 जब टाइम t1 था तो x1 कितना होगा, x की वैल्यू हमें कितनी दी थी, 18t + 5t², तो t1 हमारे पास है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे 18 × 2 + 5 × 2² तो यहाँ से 36 + 20, और ये आ गया हमारे पास 56 m। उसके बाद जब टाइम 3 सेकेंड था, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, तो यहाँ से जब टाइम 3 सेकेंड था तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थी 18t + 5t², और यहाँ से टी की वैल्यू पुट करेंगे 3 + 3² 54 + 45, ये हो गया x2 99 m।
तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो एक्स टू कितना आ गया 99 और एक्स वन 56 अपॉन टी टू 3 माइनस 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 4 अपॉन 1, तो ये हो गया 43 मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज वेलोसिटी थी कितनी थी 43 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास ये पोजीशन दी हुई है ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए प्लस बी टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है और जिसमें कि ए की वैल्यू हमें 8.5 मीटर और बी की वैल्यू 2.5 मीटर, मतलब हमारी जो पोजीशन होगी उसकी वैल्यू होगी 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। अब हमें बोला है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट टी 0 सेकेंड एंड टी 2 सेकेंड। तो पहले तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, पोजीशन दी हुई है, तो इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिल जाएगी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और यहाँ से 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5t। तो यहाँ से हमें जो वेलोसिटी मिल गई वो मिली 5t। और हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, टाइम 0 सेकेंड था तब, तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी होगी हमारी 0, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी 0 मीटर पर सेकेंड। और जब टाइम हमारे पास 2 सेकेंड दिया हुआ है तो वेलोसिटी कितनी होगी 5 × 2, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, ये होगी उसकी वेलोसिटी। और हमें उसके बाद पूछा था एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी 2 सेकेंड और 4 सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड था और 4 सेकेंड्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी थी। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। और अभी हमें एक्स टू माइनस एक्स वन नहीं पता है, एक्स वन हमें एक्स की हमें इक्वेशन दी हुई थी ए प्लस बी टी स्क्वेयर। तो ये यहाँ से एक्स वन फाइंड कर लेंगे, एक्स वन जब टाइम टी 2 सेकेंड था तो एक्स वन क्या होगा ए प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 बी, और जब टाइम 3 सेकेंड था, टाइम 0 0 पे पहले 0 था तो 0 था तो ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0। तो हमारे पास एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई ए, जब टाइम 2 सेकेंड था तो एक्स टू ए प्लस बी 2 का स्क्वायर मीन्स ए प्लस 4 बी। तो एक्स टू की वैल्यू कितनी आ गई ए प्लस 4 बी, और एवरेज वेलोसिटी यहाँ से हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। एक्स टू कितना आया ए प्लस 4 बी माइनस एक्स वन हमारे पास ए अपॉन टी टू माइनस टी वन। टी टू कितना था 2 माइनस 0, और ए से ए कैंसिल, ये हो गया 4b अपॉन 2, 2 से ये हो गया 2b, और बी की वैल्यू कितनी दी थी, बी की वैल्यू हमें दी थी 2.5, तो ये अगर 2 × 2.5 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। और ये हमने जो एवरेज वेलोसिटी फाइंड की वो किसके बीच में की 0 से 4, जब टाइम 0 सेकंड था और जब टाइम 2 सेकंड था, इसके बीच में जो एवरेज वेलोसिटी थी वो हमारी 5 मीटर पर सेकंड। और अगर हमने 2 से 4, 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में इसके बीच में पूरी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, पहले एक्स वन फाइंड करेंगे एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, जब हम एक्स टू फाइंड करेंगे एट 4 सेकंड, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। एक्स वन की जो वैल्यू आएगी एक्स टू की वैल्यू माइनस एक्स वन की वैल्यू अपॉन टी टू माइनस टी वन, और सॉल्व करके हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सलरेशन समझेंगे और उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।